इमरान खान को सबसे बड़ा दुख क्या है, शेख रशीद ने बता दिया। कहते हैं नवाज शरीफ के हाथ से निकलने पर इमरान खान बड़े दुखी हैं। लगता नहीं नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। ऑपोजिशन का एजेंडा सिर्फ लूट मार है। फजल रहमान को भी ऑपोजिशन पर एतमाद नहीं रहा। नवाज शरीफ के प्लेटलेट गिराकर मारने की कोशिश की गई। सेनेटर मुशाहिदुल्ला का इल्जाम, कहा बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या ये बीमार नहीं होंगे? मुल्क के हालात सबके सामने हैं, लोग क्यों ना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को याद करें। मैंने कोई शराब खाना, मैंने कोई जराइम का अड्डा तामीर नहीं करवाया। मैंने खेलों की सहूलत, जो मुल्क के अंदर अपनी नौयत की पहली सहूलत थी, वो तामीर करवाई। ये अगर जुर्म है तो ये जुर्म मैं बार बार करूंगा। फेडअप के नाम पर इमरान खान को पाकिस्तान का हिटलर नहीं बनने देंगे, एहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। बोले शराब का परमिट देना ठीक, खेलों के ग्राउंड बनाना करप्शन है। ऑपोजिशन कोई एनआरओ नहीं मांग रही, इमरान खान ने शुगर माफिया को एनआरओ दिया। शहबाज शरीफ कल एहतसाब अदालत में पेश होंगे। पार्टी कयादत की कारकुनों को अदालत पहुंचने की हिदायत। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब कर रखा है। लीग रहनुमा हनीफ अब्बासी की भी स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में तलब। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत लेना लाजिम है। सालसी काउंसिल की इजाजत से भी दूसरी शादी की जा सकती है। बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को हक महर फौरी अदा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया। कराची में डॉक्टर माहा हलाकत केस में नया मोड़। माहा को 202 डॉक्टर्स परेशान करते थे, खुदकुशी पर मजबूर किया। माहा के वालिद का इल्जाम, पुलिस को मुकदमे की दरख्वास्त। पहले से डूबे कराची में बादल बरस पड़े। शहर में हर तरफ पानी ही पानी, निजाम जिंदगी मफलूज। सुखन नदी के पानी से बाड़े में बदी दर्जनों भैंसे हलाक। दादा भाई टाउन, सुरजानी टाउन और यूसुफ गोट के रिहायशी परेशान। मलीर नदी में तो गयानी से कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। नर्सरी फर्नीचर मार्केट के दुकानदार बेबसी की तस्वीर बन गए। आर्मी चीफ की हिदायत पर कराची में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन। अहलकार कश्तियों से लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचा रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ रहा है। कल सुबह तक कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हो सकती है। हैदराबाद में होने वाली बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। कई इलाके जेरे आब। मीरपुर खास की सूरत हाल भी खराब। लाड़काना खैरपुर नातन शाह और ठुल में पानी ही पानी। जैकबाबाद में गुज़िश्ता रोज से वक्फे वक्फे से बारिश जारी। इरिगेशन के उन्होंने अपना अमला पूरा एक्टिवेट किया हुआ है। जहां पे भी प्रॉब्लम्स आए उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक मेरी इत्तला है सिम नाला कहीं पे भी ओवरटॉप नहीं हो। प्रॉब्लम तो इतनी बारिश में होगी और मैंने डिप्टी कमिश्नर को भी कह दिया है कि पूरे इलाकों में वो दहें जो हैं, जो इफेक्ट हुई हैं, उनको कैलामिटी हिट करें ताकि उनको पूरा करें। वजीर आला सिंध के ठट्ठा, सजावल, बदीर और दीगर इलाकों के तूफानी दौरे। बारिश से होने वाली तबाही का जायजा लिया। आवाम से उनके मसाइल भी सुने। नशेबी इलाकों से पानी के फौरी निकास की हिदायत। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम समेत कई इलाकों में बारिश। नॉन स्टॉप बारिश से रावलपिंडी के नालालई के भी बिफरने का खतरा। बारिश के बायस इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत फिर टपक पड़ी। बादल जुमे तक जमकर बरसेंगे। बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तेज की जाए। नेवल चीफ की फील्ड कमांडर्स को हिदायत। अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की जेर सदारत नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया। बारिशों के बायस ट्रेनें ताखीर का शिकार। रेलवे इंतजामिया ने लाहौर से कराची एक्सप्रेस और लाला मूसा से चलने वाली मिलत एक्सप्रेस मंसूख कर दी। मुसाफिरों को दूसरी गाड़ियों में जगह दी जाएगी।
सफर ना करने वालों को फुल रिफंड मिलेगा। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बिल देने वाले इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग करने पर वापदा और पेस्को के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। बिल देने वालों को बिला तातुल बिजली फराहम की जाए, पेस्को नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करे, सात सफात का तफसीली फैसला जारी। बिजली से चलने वाली कारें, बसें और ट्रक अब पाकिस्तान में तैयार होंगे। पाकिस्तान और चीनी कंपनी के दरमियान मुआहिदा हो गया। तकरीब में वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी और चीनी सफीर की भी शिरकत। पंजाब हुकूमत का सात बड़े शहरों में 7 से 10 मुहर्रम हराम तक जुलूस के रूट पर मोबाइल फोन बंद रखने का फैसला। लाहौर, रावलपिंडी, शेखपुरा, जेहलम, चिनियोट, उकाड़ा और बहावलपुर में मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। हुकूमत ने फोन बंद करने की टाइमिंग से आगाह नहीं किया, पीटीआई का एतराज। पाक वतन में हजरत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की 778वें सालाना उर्स तकरीबात जारी। जायरीन के लिए बहिश्ती दरवाजा आज भी खुला, कल बंद हो जाएगा।